हे गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पेरी पेरी पोहा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या स्नैक्स में गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। जो तो स्पाइसी लवर्स होते हैं उनके लिए तो ये मास्टर डिश है। और इसे आप बच्चों को भी टिफिन में डाल के दे सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी कुछ अलग सा स्कूल में खाने को मिलेगा। तो इसके लिए हम ले लेंगे पहले पैन। पैन को गर्म करके जाएगा ऑयल, मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स। जब ये क्रैकल हो जाएंगी, देन एडिंग इनटू सम अनियंस। अनियंस को हमें अच्छे से कुक करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंटली गोल्डन ब्राउन हो जाए। साथ में जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा जब जिंजर गार्लिक ऐड हो जाता है तो फिर वो पूरी डिश को स्पॉइल कर देता है। तो इसे अच्छे से कुक करके इसमें ऐड कर देंगे हम टमेटोज को ऐड करके इसे हमें अच्छे से कुक करना है अंटिल द टमेटोज गेट स्मैशी टेक्सचर। साथ ही जाएंगी इसमें ग्रीन चिलीज। ये टोटली ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। देन हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, पेपरिका पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को हमें अच्छे से कुक करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो हमारी डिश को ख़राब ना करे। अच्छे से इसको कुक करके इसमें जाएगा हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है पेरी पेरी मसाला। अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, और अगर आप ज़्यादा पेरी पेरी मसाला डाल रहे हो तो आप ग्रीन चिलीज़ को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा स्पाइसीनेस आ जाएगी। और देन हम इसमें ऐड कर देंगे सोक्ड पोहा। पोहा तीन तरह का होता है, एक थिन, थिक और एक ब्लैक राइस का। इसके लिए हम हमेशा थिक वाला पोहा यूज़ करते हैं, जो थिन पोहा होता है वो हम स्नैक्स में यूज़ करते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, देन एडिंग इनटू लेमन जूस। लेमन जूस जो होता है वो हमारी पोहे में जो है खट्टा सा फ्लेवर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। लेमन जूस डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ में जाएगी शुगर। यहाँ पे क्रिस्टलाइन शुगर यूज़ कर रहे हैं, एंड देन इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। मेक श्योर कि हमारी शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, क्योंकि पोहा में क्या होता है कि हल्का सा मीठा और खट्टा फ्लेवर होता है। देन इसमें हम कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसे हमने कुक कर लिया था, एंड अब ये हमारा पोहा बिल्कुल तैयार है। इसे प्लेट कर देंगे एक प्लेटर में। साइड पर चली जाएगी थोड़ी सी पार्सले और साथ में एक लेमन की स्लाइस। ऊपर से चॉप्ड पार्सले से डेकोरेट कर देंगे, और ये हमारा टेस्टी सा पेरी पेरी पोहा बिल्कुल तैयार है। बच्चों को टिफिन में दीजिए, गेस्ट को सर्व कीजिए, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज मिलने वाले हैं और एक न्यू रेसिपी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या बेल आइकन नहीं दबाया तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती जाएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चेष्टानंद साइनिंग ऑफ, बाय बाय।